चलिए दोस्तों, बैनर देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है ना छोटा वीडियो लेकिन बड़ा धमाका होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एकदम यूनिक चीज बताने वाला हूं और निश्चित रूप से अंकों की जो दुनिया है वो अद्भुत है। इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वास्तव में आप जो है कहां कहां से ट्रिक ढूंढ कर लाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये गणित कहीं कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ रहस्य है जिसे मैं आप लोगों के सामने लाते रहता हूं। तो निश्चित रूप से आज का जो वीडियो है बहुत ही गजब का होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि नई नई जानकारी मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं। अंकों का रहस्य आपको देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट बना है ना 369 अंकों का रहस्य। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो बने हैं उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ऊपर में आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आपको क्रमशः दिखाई देंगे। किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए, मजा तो आएगा ही। और चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बेहतरीन जानकारी वो भी अंकों से संबंधित इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए मैं लाते रहता हूं। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यदि आपको कोई ऐसी संख्या दे दिया जाए, यहां पर एक्स वाई जेड ऐसा कोई भी संख्या, मतलब मैं आपको देने वाला हूं पी क्यू आर एस ऐसा कोई भी संख्या जिसको हम कोई विशेष संख्या से गुणा करें। यहां पर कोई विशेष संख्या हम लेने वाले हैं, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, उससे हम गुणा करेंगे तो यहां पर जो आंसर आने वाला है यदि वो एकदम यूनिक हो, यूनिक हो, यूनिक यूनिक मतलब एक ही प्रकार के संख्या आ जाए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं एक लाना चाहता हूं तो एक ही आएगा, दो लाना चाहता हूं तो दो ही आएगा, तीन लाना चाहता हूं तो तीन ही आएगा, चार लाना चाहता हूं तो चार ही आएगा। लेकिन कितने बार, ये भी आपको याद रखना है, वो संख्या आएगा छह बार। तीन बार और नौ बार के लिए तो मैंने कई बार वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि छह बार अगर कोई संख्या को हम रिपीट करना चाहें तो उसके लिए ऐसी कौन सी संख्या है। तो चलिए वो संख्या मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, वो भी जादुई तरीके से। यहां पे क्लिक करता हूं और वो संख्या प्रकट हो गया। जी हाँ दोस्तों, 15873। अब आप कहोगे सर ये संख्या तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हो सकता है कि ये संख्या आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये संख्या मैं अपने मन से नहीं लिखा हूं। गणित के कहीं ना कहीं एक नियम है, मेथड है, एक अद्भुत संख्या है, वहीं से मैंने इसको निकाल के लाया है आप लोगों के लिए। इसीलिए कहा जाता है ना गणित एक अथाह सागर है, उसमें आप जितना डुबकी लगाओगे ना उतने मोती निकलेंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाते रहता हूं भैया। तो इतना तो बनता है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक कम से कम उन बच्चों तक शेयर कर देना जिसको गणित कठिन लगता है, क्योंकि आज के बाद गणित बहुत सरल लगने वाला है और मजा भी आने वाला है। तो चलिए, ये एक अद्भुत संख्या है जिसको यदि, ध्यान दीजिएगा, इसको यदि हम क्या करें, स्पेशल संख्या, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल संख्या इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको यदि हम कोई विशेष संख्या, मैं आपको बता रहा हूं उसी संख्या से आपको गुणा करना है। यदि इसको हम सात, देखिएगा, सात के टेबल से, है ना, अर्थात इसको हम सात के पहाड़ा से गुना करते जाएं, है ना, सात के पहाड़ा से गुना करते जाएं ना तो एक अद्भुत संख्या प्राप्त होगा। और वो अद्भुत संख्या क्या है, यदि सात के पहाड़ा से, देखिए इसका मतलब ये भी है, यदि शुरुआत में अगर मैं इसको सात के पहाड़ा से गुना करता हूं, ठीक है, सात से, तो हमारा उत्तर यहां पर सात या 21 7 7 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर आप देखेंगे तो हमारा जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार आता जाएगा, ठीक है। लेकिन आएगा कितना बार, इतने बार, तीन तीन छह बार, 100% तय है इसका मतलब यह। और ये संख्या कहां से आया, मैंने कहां से निकाल के लाया इस संख्या को, वो ही बताऊंगा। इसके लिए वीडियो को पूरा देखना होता है, ये तो केवल एक ट्रिक है। अब देखिए, अगर इसको हमने सात के पहाड़ से गुना किया तो निश्चित रूप से कितना आ गया, एक जो है छह बार आ गया। इसका मतलब यह भी है कि यदि इसको हम 14 से गुना करते, सात का पहाड़ा अर्थात सात के पहाड़ा 14, है ना, इसका मतलब यह भी है इसी संख्या को आप क्या कर रहे हैं, सात के अगर 14 से गुना कर रहे हैं अर्थात इसको 2 से गुना कर रहे हैं तो 7 × 2 = 14, तो यहां पर संख्या क्या आ जाता, 2 जो है इस प्रकार 6 बार आता, 3 × 3 = 6। उसी प्रकार 7 × 21, इसका मतलब यह है इसी संख्या को, अर्थात इसी संख्या को मैं डिलीट कर देता हूं, देखिए इसी को 7 × 21 मतलब 7 × 3, इसलिए कहा गया है कि यदि आप इसको डायरेक्ट 21 से गुना करोगे ना, इस संख्या को डायरेक्ट 21 से गुना करोगे, या फिर 7 × 21 बोल रहा हूं अर्थात इस पूरी संख्या को 7 से गुना करने के बाद हमको तो पता है कि एक जो है कितने बार आता है, 6 बार आता है। अब इसको आप किससे गुना करोगे, 3 से गुना करोगे तो 3 जो है कितने बार आ जाएगा, 6 बार आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर हम जो ट्रिक अपना रहे हैं वो क्या करता है, ये जो संख्या है उसको जैसे ही आप 7 से गुना करते हैं तो ये सारे डिजिट किस किस में कन्वर्ट हो जाता है,
एक में बदल जाता है, और यह संख्या कितने बार दिख रहा है, पांच बार दिख रहा है ना, वो यहां पर एक जो है छह बार आ जाएगा, करके देखिएगा। उसके बाद इसको आप सात के पहाड़ा से गुना करना, मतलब सात एक कम इसको, सात एक कम सात, सात गुणित दो, सात गुणित तीन, सात गुणित चार, सॉरी यहां पर करेंगे सात गुणित चार, फिर सात गुणित पांच, सात गुणित छह। इसका मतलब यह है, ये देखिए हम सात के टेबल से गुना कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि जैसे सात के टेबल से गुना करते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहां पर दो आया है, यहां पर तीन आया है, यहां पर चार आया है, यहां पर पांच आया है, यहां पर छह आया है, उसी प्रकार सात आठ और नौ है ना, अर्थात सात के पहाड़ा नौ, अर्थात नौ सत्य तिरसठ। इसको यदि हम 63 से गुना करेंगे, वन फाइव एट सेवन फाइव सॉरी थ्री थ्री, इसको यदि हम किससे गुना करेंगे, इस प्रकार 63 से करेंगे, जो कि क्या है सात का पहाड़ा नौ बार, नौ सत्य तिरसठ, इसको आप गुना करेंगे ना, तो यहां पर आपका जो संख्या है वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार नौ जो है छह बार आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब यह है, मैं पूरा जो एक एक चीज डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि ये सात, जैसे इसको आप सात से, इतने भाग को सात से गुना करते हैं, ये देखिए इतने भाग को सात से गुना करेंगे तो ये इतना आएगा, अब इसी को आप नौ से और गुना करेंगे है ना, तभी तो नौ सत्य तिरसठ हुआ। अब देखो इसको नौ से फिर से गुना करो, तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये देखिए आपका उत्तर बिल्कुल आ गया है, इसको आप बच्चों के सामने जादू के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं है ना, तो बड़ा मजा आता है। हालांकि कई तरीके हैं, हालांकि इसको मैंने अलग तरीके से बताया है ना, जादुई तरीके से बताने का इसका अलग मेथड है। आप देखिए संख्या कहां से आया, तो निश्चित रूप से आप 22 बटे 7 के बारे में सुना होगा, और इसका मान होता है 3.14285 7। अब इसी का यदि केवल हम दशमलव के बाद वाले संख्या को ले, दशमलव के बाद वाली संख्या मतलब 1 4 2 8 5 7 ठीक है, ये देखिए इसको अगर हम लेते हैं, और इसको हमको पता है यदि इनको हम गुना करते हैं, देखिएगा मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको यदि हम गुना करें सात से ठीक है, तो देखिए सात सत्ते 49 हासिल कितना आ गया है चार। अब देखिए यहां पर सात पंचे 35, यहां पर 35 लिखेंगे, 35 का पांच सॉरी यहां पर हम इसको जोड़ेंगे तो यहां पर 39 हो जाएगा, यहां पर नौ आएगा और हासिल कितना हो गया है तीन। अब सात अट्ठे 56, ये देखिए यहां पर आप तीन को जोड़ेंगे तो कुल मिला के यहां पर ये जो संख्या है क्या हो रहा है, ये देखिए तीन और तीन छह बार आ रहा है। कब, जब हम 22 बटे 7 का जो मान होता है 3.14285 7 इसका दशमलव वाले बाद की संख्या को लेते हैं, तो यहां पर जो संख्या था उसको हम 7 से गुना करें तो इतना आ रहा है। मैंने क्या किया था, इसी डिजिट को अर्थात कौन से संख्या को, सबसे पहले 1 4 2 8 5 7 को मैंने पहले इसको 9 से डिवाइड कर दिया था, 9 से डिवाइड किया था तो हमारा संख्या आया था, अभी जो मैंने तीन अंकों की संख्या बनाया सॉरी अब पांच अंकों की संख्या बनाया था वो आंसर आया था ठीक है। उसके बाद उसी संख्या को मैं सात के टेबल से गुना करते जा रहा था, तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि ये ट्रिक हमने कहां से लाया है ठीक है। इसको यदि आप 9 से डिवाइड करते हैं ना तो आपका उत्तर आता है 15 8 73, और यही वो संख्या है जिसको आपको सात के टेबल से गुना करना था है ना, तो आपका उत्तर आ जाता। निश्चित रूप से छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही यूनिक वीडियो है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।